अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। देखिए, किसी भी देवी का या किसी भी देवता का निवास वहीं पे होने लगता है जहाँ पे पवित्रता होती है। पवित्रता कई प्रकार से होती है। आपके मन की पवित्रता, जो देवी देवताओं का स्थान है उनकी पवित्रता, कई तरह से पवित्रता देखी जाती है। जब पवित्रता का वातावरण होता है, सद्भाव का वातावरण होता है, अंतर आत्मा से अगर हम किसी भी देवी देवता को स्थापित करते हैं, अंतर आत्मा से भाव से किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद देते हैं, तो देवी देवताओं का निवास भी वहाँ पे होने लगता है। निवास का अर्थ कई तरह से लगा सकते हैं आप। एक निवास वो होता है जहाँ पे देवी देवता परमानेंट रहने लगते हैं सदैव के लिए। जैसे आपके कुल देवी देवता हो गए, स्थान के देवता हो गए, आपके घर के देवता हो गए, पितृ देवता हो गए, तो जो देव स्वरूप होते हैं वो रहना शुरू कर देते हैं। एक देवता वो होते हैं जो बड़े बड़े देवता होते हैं जिनकी पदवी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जैसे 10 महाविद्या हो गई, महादेव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, तो ऐसी शक्तियाँ आपके पूजा स्थल पर आना प्रारंभ कर देती हैं और आना ही उनका एक तरह से निवास भी आप कह सकते हैं कि उनका निवास यहाँ पे होने लगा है। जैसे मान लीजिए आपके 2-3 घर हैं, आप कुछ समय के लिए इस घर में रह रहे हैं, फिर कुछ समय के लिए उस घर में चले गए, फिर वापस आ गए, फिर चले गए, फिर वापस आ गए, तो आपका निवास स्थान सभी घरों का हो गया ना, कि जहाँ जहाँ आप जा रहे तो वहाँ पे आपका निवास हो गया। इसी प्रकार से देवी देवता भी निवास करने लगते हैं। अब जब वो निवास करते हैं तो संकेत भी मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि संकेत ना मिले। संकेत मिलने का अर्थ ये हो जाता है कि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ देवी देवता होते हैं, और जहाँ देवी देवता होते हैं वहाँ पे एक सुगंध का वातावरण होता है। अलग ही सुगंध होगी वहाँ पे वातावरण में, एक अलग ही खुशबू होगी। धूप की खुशबू की बात नहीं कर रहे हैं, फूलों की खुशबू की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी खुशबू होगी या एक ऐसी महक होगी जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। एक अलग ही अनुभूति होगी उस जगह पे जहाँ पे देवताओं का वास होगा। जब आप बैठेंगे तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाएगा ऐसे स्थानों पर। एक बात आप और महसूस करिएगा कि जब आप भगवान का स्थान घर के ईशान कोण में देते हैं, जिसे देव स्थान कहते हैं, वहाँ पे देवी देवता बहुत जल्दी सक्रिय हो जाते हैं। देवी देवता और आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी खुद का जो तपोबल होता है, वो बहुत जल्दी सक्रिय होना प्रारंभ हो जाता है। वास्तु की भाषा में वहाँ पे वास्तु पुरुष का दिमाग होता है, इसलिए सारे मन की जो भावनाएं होती हैं, मन में जो हम जप करते हैं या मन से रिलेटेड जो कुछ भी होता है, वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर सक्रिय होना शुरू हो जाता है। चाहे आपके अवचेतन मन से जुड़ना हो या कुछ भी हो, किसी देवी देवता से जुड़ना हो, किसी शक्ति से, पारलौकिक शक्ति से जुड़ना हो, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी वहाँ पर होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए पूजा घर का जो स्थान है या पूजा घर का चुनाव है वास्तु के हिसाब से करना चाहिए, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी और जगह आप मंदिर रखेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, या आपको शक्तियों का लाभ नहीं मिलेगा, या आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो एक दिशा होती है या जो एक स्थान होता है देव स्थान, उसकी बात अलग हो जाती है, उसका प्रभाव अलग हो जाता है, उसका महत्व अलग हो जाता है। जैसे आप रोटी बनाइए, तो जो गैस पे रोटी बनाते हैं तो क्या वो रोटी बनती नहीं है? बनती है। लेकिन जो चूल्हे की रोटियां बनती हैं वो खा के देखिए, एक अलग ही स्वाद रहता है, एक अलग ही अनुभूति आती है आपको। तो वही बात हो जाती है कि जो स्थान स्थान की बात है,
जहाँ पे जो स्थान है अगर वहाँ पे वो चीज़ें व्यवस्थित करके रखते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है, वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा आपको भाव विभोर कर देगी। ये मान के चलिए कि वो जो ऊर्जा निकलेगी वहाँ से वो आपके अवचेतन मन से जुड़ जाएगी और आप जो भी चाहेंगे जीवन में उस प्रकार की घटना या उस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती हैं। जब भगवान का वास, किसी देवी देवता का वास आपके घर में होने लगता है तो वो आपके अवचेतन मन से जुड़ जाता है, वो घर आपके अवचेतन मन से जुड़ जाता है। यहाँ तक कि आप जो मन में सोचेंगे वैसी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। आपने सोचा कि हाँ घर में कुछ सामान नहीं है, हमें लाना है, और शाम को देखेंगे कि घर का कोई सदस्य वही सामान आपके लिए लेके आ जाएगा। आप कुछ मंगवाना चाहते थे कि हाँ मुझे ये मंगवाना था, घर का सामान ऐसा ऐसा ख़त्म हो गया था, और आप कहने से पहले ही वो सामान आपके पास घर में आ जाएगा। आप कुछ भी कहना चाहते थे, कुछ बदलाव करना चाहते थे, कुछ और चीज़ें करना चाहते थे या अपनी बात रखना चाहते थे, लोग आपकी बात कहने से पहले ही समझ जाएंगे। आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकलने लगेगी, आपके अंदर से एक ऐसी तरंगे निकलने लगेंगी जो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देंगी और दूसरे व्यक्ति को इतना प्रभावित कर देंगे कि वो आपके अंदर की बातें समझ के वो पहले से ही वो कार्य कर देगा कि हाँ मुझे ये कार्य करना है। और इसी तरह से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा जप में रहते हैं तो वो अपना कार्य बहुत आसानी से कहीं पर भी करवा लेते हैं, क्योंकि अंदर से उनके इतनी तरंगे निकलती हैं कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत प्रभावित हो जाता है उन तरंगों के प्रभाव से, और फिर वो उसके हिसाब से ही कार्य करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत छोटी शक्ति नहीं, और हर किसी को प्राप्त नहीं होती, ये भी ध्यान रखिए। जिनका पूजा का स्तर, जिनका साधना का स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका होता है उनके साथ में ही ऐसा होता है, और वो जानते हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग कभी गलत तरीके से नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि अगर आप किसी भी शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं, किसी भी ऊर्जा का गलत प्रयोग करते हैं, तो वो शक्ति और ऊर्जा आपको उल्टा प्रभाव देना शुरू कर देती। पहली चीज़ तो ये, अगर कोई शक्ति इस प्रकार से है तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और दूसरा ये कि अगर इस प्रकार की अगर कोई ऊर्जा का गलत प्रयोग करेंगे तो आपकी ऊर्जा भी धीरे धीरे होकर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो गलत प्रयोग नहीं करना है, अच्छे के लिए प्रयोग करना है। और वैसे भी इस तरह की जब प्रेरणा मिलती है तो हम गलत कार्य वैसे भी करना बंद करते हैं, क्योंकि गलत कार्य की प्रेरणा मिलेगी ही नहीं आपको। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।